हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, लार्ज इंटेस्टाइन का जो टॉपिक है उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से जो है उसके पार्ट्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो है फोर लेयर्स होती हैं, कहाँ बाहर से अंदर की ओर जो है चार लेयर प्रेजेंट होती हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहली लेयर जो कौन सी है वो क्या है, सिरोसा। दूसरी क्या है, मस्कुलरिस। तीसरी है सब म्यूकोसा एंड चौथी लेयर है म्यूकोसा। तो सबसे अंदर की लेयर क्या होती है, म्यूकोसा होती है। और ये चारों लेयर जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, तो बाहर से अंदर की ओर प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।